हम जब तक नोज कॉन्टोर कर लेते हैं। नोज अच्छा आप उधर चली जाओ, आप नोज कॉन्टोर करके हम दिखा देते। मैं आपको बिफोर दिखाने के बाद हमने आईब्रो बनाई है इनकी, आईब्रो को साइज वगैरह दिया है बीनेश ने, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। पहले नोज कॉन्टोर मैं दोनों नोज इसको करूंगी, उसको भी करूंगी, इसको भी करूंगी, ठीक है। अच्छा अब बिकॉज हमने जानबूझ के, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स थे लेकिन हमने जानबूझ के थोड़ी सी मोटी नाक का मॉडल चूज किया ताकि आप लोग यहाँ सीख सकें कि जिन जिन की मोटी नाक है उसको पतला कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनका ब्रिज जो है वो गायब है बाकायदा, आप देखें नॉर्मली ब्रिज यूं होता है, यूं होता है, इनका ब्रिज यूं जा रहा है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को ज़रूरत है हमें सही करने की या एक अपना गाइडलाइन बनाने की, वो है ब्रिज विच इज़ दिस। आप ये नोस्टल जहाँ से शुरू हो रही है, अच्छा तुम कॉन्टोर जो वो लिक्विड लेने का प्रेफर कर रही हो, जैसे मैं जो अभी गर्मियों में मैं पाउडर से कॉन्टोर करती हूँ अपनी, क्योंकि नाक पे बहुत पसीना आ जाता है। नाक के साइज की रिक्वायरमेंट है, ओके ठीक है, क्योंकि ये इतनी मोटी है कि अगर मैं इसको सिर्फ पाउडर से करूंगी तो पाउडर थोड़ी देर के बाद मर्ज हो जाएगा, ठीक है, और इनकी तस्वीरें 2 घंटे तक तो अच्छी आएंगी, 2 घंटे के बाद इनकी नाक से वो कॉन्टोर हट जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि पसीने से हमारा मेकअप ऑयली होता है और सबसे ज्यादा ऑयल नाक पे आता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट वे कि आपको ये देखना है। तो अब तुम जो हो सजेस्ट ये कर रही हो कि बेस से भी पहले ये लिक्विड कॉन्टोर, ये मैं बिल्कुल ऐसी नोज कॉन्टोर बना रही हूँ जिनकी प्रॉब्लमैटिकली मोटी नाक है, ये आम लोगों के लिए नहीं, मतलब लाइक जैसे दूसरे आम लोग हैं उनको इतना ज्यादा, वो अगर चाहे तो वो इसी फॉर्मूला को पाउडर में डाल दें, कन्वर्ट कर लें, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये आप जितना ये 2 लाइंस है ये जितनी क्लोज होंगी उतनी नाक आप पतली दिखा सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आप नोज कॉन्टोर में करते हो वो ये लाइनें तो आप लगा देते हो, ब्लेंड भी बहुत अच्छा कर देते हो, लेकिन ये आपस में इतनी दूर होती हैं कि उन नाक की क्लोजनेस नहीं आती तस्वीरों में, बिकॉज आपने इसको डार्क करना है। अगर ये हिस्सा डार्क करीब हो के नहीं होगा तो दिस जो ये जो लाइट वाला एरिया ना, ब्राइट वाला सेंटर वाला, दिस हैज टू बी वेरी नैरो। अगर ये नैरो नहीं होगा तो आपकी नाक पतली नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ लाइन मार रहे हैं कोई फायदा नहीं है, सही है, यू गेट इट, क्लोज नेटेड जाना आपको, ठीक है। आपने जितनी पतली करनी है आपने उसकी एक लाइन दी, ठीक है, प्लस इनकी जरा यहाँ से भी चौड़ी है तो मैंने नोस्टल्स को भी यहाँ से कॉन्टोर करना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, सी की तरह आप ड्रॉ कर लें नोस्टल्स के अराउंड, ठीक है, प्लस थोड़ा सा आपने नीचे से लगाना है ताकि आपकी नाक खड़ी लगे, ओके, ये बंद किया है तुमने, नीचे से तुमने बंद किया है उसको। इसको आप 2 शेप में कर सकते हैं, एक तो आप राउंड शेप में भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी थोड़ी सी नाक में हल्की सी कुदरती तौर पे चोंच है वो गोल कर लें, ओके, और जिनकी चोंच नहीं है और वो चोंच क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इनकी चोंच नहीं है और हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इनको ये चीज वी में दे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो वी में एक शेप बनेगा जो एलिवेट भी करेगा और थोड़ा सा और थिन और एलोंगेटेड नाक बना देगा, ठीक है? ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लस आपने यहाँ पे एक लाइन डालनी है, इससे भी आपकी नाक की एलिवेशन जो होती है ना, ये सारी नई टेक्निक है, ये वाली तो पता ही नहीं थी हमें। आप देखें 3 पॉइंटर्स जो जो सीख रहे हैं मैं उनके लिए बताऊंगी। आपने जो ये 2 डार्क लाइंस या कॉन्टोर करना है, चाहे पाउडर से करें चाहे क्रीम से करें, ट्राई टू मेक द क्लोज नैरो स्पेस, जितना नैरो स्पेस होगा उतनी नाक पतली लगेगी, ठीक है, जितना स्पेस ज़्यादा होगा कॉन्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, आपने जिस तरह सिखाया था हमने उसी तरह किया लेकिन हमारी नाक फिर भी मोटी लग रही थी, बिकॉज आपने वो एरिया नैरो नहीं किया, ठीक है। सेकेंडली नोस्ट्रल्स के अराउंड आप करें, क्योंकि अक्सर नाक यहाँ से फैली हुई होती है एंड वी डोंट रियलाइज, हमें लगता है कि बस हमने यहाँ पे 2 कॉन्टोर की लाइनें और फैल जाती है, हाँ हमने यहाँ से नाक को 2 लाइनें लगा के ब्लेंड कर दिया, हमारी नाक पतली लग रही है, नहीं। अगर आपके नोस्टल्स फैले हुए हैं तो आपने नोस्टल्स को भी कॉन्टोर करना है, ठीक है। और ये जो हमने ये ऊपर डाली है, हाँ ये टिप है, और ये 4 चीज़ें आपने पल्लू से बांध लेनी है कि जी अगर मैंने नाक पतली दिखानी है तो आज मैंने कॉन्टोर इस तरह करनी है, ठीक है। अब इसको ब्लेंड कैसे करेंगे, ये तो ये एक बहुत कहते हैं बोल्ड
कॉन्टोरिंग है, एक आम पब्लिक इसे कॉन्टोर इसको ब्लेंड कैसे करे? अच्छा, ये एक टेक्निक है, इसको ब्लेंड करना मैं सिखा देती हूँ, लेकिन इनकी पर्टिकुलर इनकी जो नाक है, आउट ऑफ ऑल द मॉडल्स इट वॉज अ लिटिल बिट मोर फैट, इन पे मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग का भी फॉर्मूला चलवाऊंगी, वो ज़्यादा काम करता है बहुत मोटी नाकों पे। उसमें क्या होता है कि आप पहले पूरी नाक पे डार्क बेस लगा लें, यानी ये जो ब्राउन है ये आप पूरी नाक पे लगा लें, और उसके बाद आप कंसीलर लेके उसको स्कल्प्ट करें। अच्छा, उसको रिवर्स कॉन्टोरिंग कहते हैं। जी, उससे क्या होता है कि जब आपकी पूरी नाक डार्क हो जाती है तो आपका डार्क एरिया ज़्यादा है, अब आपने लाइटनिंग क्रिएट करनी है खुद, तो वो स्कल्पटिंग जब आप बारीकी से करते हैं और लाइट शेड से करते हैं तो आपकी नाक और इन्हेंस होती है। अच्छा। तो जिन जिन लोगों की ज़्यादा मोटी नाक है वो रिवर्स कॉन्टोरिंग का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है? हाँ। अच्छा, अब आपने एक बफिंग का ब्रश लेना है छोटा, ये करीब आए, जरा करीब से दिखाए कि ब्रश कैसा है आपकी नोज कॉन्टोरिंग में। ब्रशेज बहुत ये देखें मैटर करते हैं, और ये ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश है, ब्लेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये लाइंस तो खींच ली, अब आप इसको फैलाएंगे बहुत रफली नहीं, ठीक है? ठीक है, फैलाने का भी एक टेक्निक है। हाँ, आपने जहाँ ये ड्रॉ की है ना, आपने उसको वहीं पे ब्लेंड 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 खेलना है, और इतना ब्लेंड खेलना है कि ये एकदम से ऐसा हो जाए कि ये नजर भी आए और गायब भी हो जाए। ओके, है नहीं है? नहीं है। हाँ, इसकी हार्शनेस बेसिकली हम कम कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमें कुछ और लगाने की जरूरत है या हम इसी ब्रश से बस ड्राई ब्रश से देखें? अगेन इट ऑल डिपेंड्स, अगर ये नॉर्मल मार्केट जा रही है, पतला बेस लगा रही है, तो मैं इसको कहूँगी कि बस इसके ऊपर हल्का सा बेस लगाए और बेकिंग करे और हल्का एक या दो स्ट्रोक पाउडर के मार ले, दैट्स इट। लेकिन अगर ये किसी शादी में जा रही है, 8-9 घंटे बैठने हैं, बेस भी हैवी लगेगा, तो फिर मैं इनसे कहूँगी कि पहले प्रॉपर क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करे, फिर पाउडर कॉन्टोर करे, फिर बेकिंग करे, और फिर उसके बाद उसको सील करे स्प्रे से। अच्छा, क्योंकि नोज कॉन्टोरिंग स्प्रे जो है वो अब काम आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल, पसीना और बेदहानी में ये जो हम लोग यूं करते रहते हैं, तो वो जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आपका नाक पे ही आता है। तो नाक पे फिक्सिंग स्प्रे अलग से कॉन्टोरिंग और बेकिंग के बाद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये तुम ब्लेंड कर रही हो, मैं उन लोगों के लिए भी सवाल करूंगी। मैंने अक्सर देखा है, अब भाई जरूरी थोड़ी है कि कॉन्टोरिंग आपको आ गई, बीनिश से सीख लिया आपने और आपकी नाक पे जरूरत नहीं है तो आप कॉन्टोर करें। मैंने बहुत सारी खड़ी नाकों वालों को देखा है, फुल कॉन्टोर, जिनका चिजल्ड फेस है, फुल कॉन्टोर करके आए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि बीनिश ने सिखाया है भाई, तो हमने सीख लिया। हाँ, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेरी नाक है, मैं जब तक तुम ये ब्लेंडिंग कर रही हो, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं अपनी नाक की कॉन्टोर यहाँ से बहुत नहीं करती क्योंकि मेरी नाक ऑलरेडी यहाँ से पतली है, तो मैं इसको रफ करती हूँ। मैं भी यहाँ, और अगर करना होता है तो मैं आधी नाक की करती हूँ यहाँ बस, और वो भी ड्राई ब्रश लेकर ऐसे ऐसे। मैं यहाँ आने ही वाली थी कि नॉर्मली हम नोज कॉन्टोर जो आम आवाम है वो यहाँ से करना शुरू होती है पूरा। अरे भाई, ये आपके आईब्रो, ये भी नहीं, अरे मैं नहीं करती है ये आईब्रो वाली चीज, मैं नहीं करती क्योंकि आपका ब्रिज अच्छा है। हाँ, जिनका ब्रिज अच्छा नहीं होता है उनके लिए आईब्रो तक जाना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ उसकी लंबाई बढ़ा रहा होता है। मैं वही कह रही हूँ, जैसे जिनके लिए नहीं है, जिनके लिए नहीं है, उनको थोड़ी करना है, उनका मेकअप इतना हार्श लग रहा होता है, उनकी पूरी बनी हुई होती है। ऐसे तो एक और टिप ये है कि जिनकी बहुत पतली नाक होती है उनको कॉन्टोरिंग यूं करनी चाहिए। हाँ, टेक्निकली अब हम सारा वक्त मोटी मोटी नाक देखते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाक एक्स्ट्रा पतली नाक है। ब्लश ऑन ना लगा ले, यूं ब्लश ऑन भी लगा ले, लेकिन ब्लश ऑन लगा के फ्रेश एक लुक आती है। बाजू का हड्डी इतनी पतली होती है कि वो बुरी लग रही होती है, तो आप हल्का सा इस एरिया में जहाँ से बहुत ज्यादा उठी हुई आपकी बोन है, आप हल्का सा ये पतली वाली नाक को बुला के दिखा, इतनी पतली नाक हमारे पास है ही नहीं। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो थोड़ी सी क्रोकेट सी होती है, तो आप उस एरिया को हल्का सा पहाड़ सा निकला होता है, तो कॉन्टोरिंग पाउडर से उस पहाड़ को आप बिठा सकते हैं ऐसे मार, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने उठाना है कंसीलर। हाँ, ठीक है, अब सारा गेम ही इसी का। थोड़ा सा इसको ब्राउन को साफ कर रही हूँ, सेम ब्रश ले रही हूँ, ब्रश से ही तुम लगा रही हो कंसीलर।
करीब जाएं जरा सा, ये दूसरा एंगल से लेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए अब पूरा उसको बैलेंस करना पड़ रहा है। इसकी बिफोर की पिक्चर ले ली थी ना, प्लीज जरा पता करें बिफोर की पिक्चर आ गई। आपने हार्श लाइंस भी खत्म कर दी, और जो एरिया आपने लाइट देना था वो आपने लाइट भी दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको बेक करूंगी। अच्छा, अब तुम बेक करोगी, वो भी क्या प्रोसीजर है? क्या लूज पाउडर लोगी, किससे बेक करोगी? लूज पाउडर भी ले सकते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आता है वो इस तरह के कॉम्पैक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तुम ब्रश से करियो बेक। मैं अभी ब्यूटी, हाँ ये रहा ब्यूटी। अच्छा, बेकिंग जो है वो नॉर्मली ब्यूटी ब्लेंडर से ही होती है, मुझे देख नहीं रहा था। ये आपने हल्का सा इसको बेक कर दिया। ठीक है, अब आपने जब तक आई मेकअप किया, दूसरी चीज़ें की, ठीक है, ये नाक हो गई आपकी पूरी बेक। ठीक है, जब आपके बेकिंग टाइम आपने ख़त्म करना है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है रखने का, तो मैं फ़ौरन से हटा रही हूँ। आपने जब आपका बेकिंग टाइम ख़त्म हो गया, आपने उसको बड़े वाले किसी फ्लफी ब्रश से, ताकि एक्स्ट्रा पाउडर हट जाए। अब आप देखें, आपको एक अंडरनीथ एक कॉन्टोर दिख रही होगी। ठीक है, उसको आप पाउडर से फ्रेश करेंगे। मतलब अब तुम दोबारा से पाउडर मारोगे इस पर रफली, वेरी लाइट, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ठीक है, हाँ, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ठीक है, और पतला सा ब्रश लेके उसी तरह जिससे मैंने ब्लेंडिंग की थी, मैं एक हाइलाइटर लूंगी। हाइलाइटर से भी नाक काफी खड़ी लगती है, बहुत खड़ी जब आप लगती है। वो जो हाइलाइटर है वो सिर्फ आप यहाँ गालों पे ही नहीं लगाते, बल्कि नाक पे जब लगाते हैं तो बड़ा खड़ा खड़ा इम्पैक्ट आता है नाक का। ये देखें, और सिर्फ पतला ब्रश बहुत जरूरी है हाइलाइटर के लिए, अगर नाक मोटी है, क्योंकि सारी कॉन्टोरिंग रून हो जाएगी इस हाइलाइटर से अगर आपने मोटा ब्रश ले लिया तो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है टेढ़ी कॉन्टोरिंग हुई भी होती है। मैंने शादियों वादियों में गई हूँ तो कॉन्टोर ख़राब की हुई है, नाक पतली के बजाय टेढ़ी लग रही होती है उस हाइलाइटर टेढ़ा लगाने की वजह से। ये बहुत सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ये हाइलाइटर आपकी नाक को टेढ़ा भी कर सकता है। ज़रा सा भी ज़िगज़ैग हुआ ना, नाक टेढ़ी लग रही है। अब आप देखें, अच्छा अब ये आप नाक देखें, अब आप बिफोर दिखाएं ज़रा, अब आप देख लें बिफोर ये है, और कॉन्टोर के बाद ये चेंज आप यहाँ लाएं। अब इसको दिखाओ ना सेंटर में, कॉन्टोर के बाद आपकी फेस पे ये चेंज आ सकता है। अब जाहिर है जब वो गालों की भी कॉन्टोर करेगी और बाकी चीज़ें कॉन्टोर होगी तो वो पूरा फेस बैलेंस लगेगा। अभी हमने जो है वो बाकी कॉन्टोर नहीं की। ठीक है ना, तो ये कॉन्टोर है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।